सो हाय गाइस, दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस हम करने वाले हैं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में जो गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने वाले जगह डाउनलोड कर सकते हो। भाई गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। भाई चलिए गाइस, आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को जो है बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। देन आप सभी को ऐड फोटो में जाना है, आप सभी को अपने मॉडल को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, यहाँ पे जब आप मॉडल को ऐड कर लोगे तो आप कुछ एक मॉडल का डुप्लीकेट बनाना है यहाँ पे, फिर उसको सेम साइज में रख देना है। एंड उसके बाद आपको चले जाना इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट में जाकर इसका अमाउंट जीरो करके मर्ज कर देना है। फिर नेगेटिव वाले में जाकर आपको कलराइज में जाना है। फिर उसके बाद आपको जो यहाँ पे ढूंढ रहे हैं ऑरेंज कलर, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज कलर आप सभी को ढूंढ लेना है। एंड बाकी जो है यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया था ऑरेंज कलर ढूंढना, तो मैं क्या बता देता हूँ आपको कि एग्जैक्ट कहाँ पे मिलेगा आपको जो ऑरेंज कलर है। आपको सिंपली गाइस यहाँ से ना माइनस की तरफ जाना है, ठीक है, यहाँ से माइनस की तरफ में, एंड आपको अराउंड 50 या 45 के बीच में रख देना है, आपको जो ऑरेंज कलर मिल जाएगा। देन आपको जो यहाँ से ब्लेंडिंग मोड चेंज करके इसको कर देना है मल्टीप्लाई। एंड उसके बाद आपको इरेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करना, ब्रश लेना, ब्रश लेने के बाद आपको पेंट करना अपने हाथ के ऊपर। अभी गाइस क्यों कर रहे हैं मैं आपको आगे बताऊँगा। सो अभी जो है हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेते हैं, बाकी परफेक्ट है, इसको डन कर लेते हैं। देन जाएंगे मैट फोटो में, यहाँ से ऐड करेंगे हेलोवीन, ठीक है ये। एंड यहाँ पे आप सभी को सिंपली इस तरीके से आपको जो अपने हैंड के पास ऐसे बीच में रख देना है। एंड उसके बाद आप सभी को सिंपली यहाँ से ऐड फोटो में चले जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना है आप सभी को जो है एक ऑरेंज कलर के लाइट पीएनजी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। आपको सिंपली इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करना है एंड इस टाइप से आपको रख देना है। एंड मूव डाउन में गाइस जितना खास नहीं लग रहा है तो मैं इसको ऊपर ही रखूँगा, ठीक है, ओपेसिटी कम करके, एंड इसको ऊपर की साइड में रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट है। अब गाइस यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे यहाँ से जो है डन अभी, क्योंकि अब जो है गाइस हमारे यहाँ पे थोड़ा सा हम फेस के ऊपर भी थोड़ा वर्क करेंगे, तो यहाँ से ऐड फोटो जाके ये लेंगे कि हम यहाँ पे इंजर्ट का पीएनजी, ठीक है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है एंड इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेनी है ताकि रियलिस्टिक लगे ये, ठीक है, परफेक्ट है, यहाँ पे डन कर लेना है। देन आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है आपको एक आई का पीएनजी, ठीक है। फोटो को जूम करेंगे हम यहाँ पे, एंड यहाँ पे को हम आई के पास इस तरीके से रख देंगे। एंड यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो भी, हम इसको इरेज कर लेंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से बिल्कुल। एंड यहाँ से जो क्या करेंगे, हम इसकी जो ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेंगे और उसका ऐड करेंगे, इसका डुप्लीकेट करेंगे एंड इसको हम दूसरी वाले आई के पास यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, तो यहाँ पे परफेक्ट है। अब क्या करेंगे, हम इसको कर लेते हैं डन, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद गाइस आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको यहाँ से थोड़ा सा टोजन बर्न करना है, तो यहाँ से हम सिंपली टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा के यहाँ से इसे करते हैं। सो मतलब टेम्परेचर में गाइस इतना खास नहीं लग रहा है मेरे ख्याल से, हम ब्राइटनेस से ही ले लेते हैं, ठीक है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली डिस्कार्ड करेंगे, टूल्स में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे, यहाँ से ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ाएंगे, रेजर टूल में जाकर इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, साइज़ छोटा करेंगे एंड बाकी यहाँ पे इस तरीके से पेंट करेंगे जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है इसकी, थोड़ा एक यहाँ भी कर लेते हैं। और गाइस मैंने इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेट वीडियो बना रखी है, ठीक है, एकदम कंप्लीट, आप उसको भी जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो बाकी हमारा डोजन बन भी हो चुका है, अब इसको डन कर लेते हैं। बाकी अब इसको सेव करके लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में। अब गाइस लाइट रूम ऐप में फोटो को ऐड कर लिए, तो पहले जाएंगे हम लाइट में, तो इसका पहले कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देंगे, हाईलाइट कम कर देंगे, शेडो को बढ़ा देंगे, ब्लैक्स को कम करेंगे, कलर्स में जाकर वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, टेम्परेचर थोड़ा कम, मिक्स टूल में जाकर ऑरेंज कलर को थोड़ा इंक्रीज़ कर देंगे एंड जो इसका जो यू है माइनस कर देंगे, डार्क ब्लू में जाकर इसका यू माइनस एंड सैचुरेशन प्लस। फिर इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, क्लियरिटी को बढ़ा देंगे, विग्नेट डाल देंगे थोड़ा सा एंड जो है यहाँ पे फीदर को इंक्रीज़ कर देंगे, फिर थोड़ा सा शार्पनेस एंड नोटेशन बढ़ा देंगे। बाकी हमारी फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है, तो बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ उसे किसी ने वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।